दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि 3 महीने बाद हरियाणा में किस पार्टी की सत्ता आएगी, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो माहौल बना हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उन पर एक नजर डाल लेते हैं। 2019 के जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को 90 में से 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, जेजेपी को 10 सीटें मिली थी, इंडियन नेशनल लोकदल को 1 सीट मिली थी और अदर्स को 8 सीटें मिली थी। यानी भाजपा को भी पिछली बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, वह जेजेपी के 10 विधायकों और अन्य जो आजाद उम्मीदवार जीते थे उनके दम पर भाजपा ने ये सरकार चलाई। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो जानकार कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो माहौल बना हुआ है उसके अनुसार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार का आना लगभग तय है। अब वो क्या माहौल है? दोस्तों, माहौल ये है कि जब विधानसभा चुनावों के बाद 2024 के अब लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उनमें सारे हालात बदले हैं। वो क्या हालात बदले हैं? मैंने बताया कि अल्पमत में तो मनोहर सरकार पहले भी थी, उनके 40 विधायक थे कुल, लेकिन इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें हरियाणा में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। लोकसभा की 10 में से 5 सीटें वो हार गई। 5 सीटें हारी ही नहीं बल्कि उसका 20% मत प्रतिशत भी गिर गया और कांग्रेस को लगभग 20% ज्यादा मत मिले हैं। और आंकड़ों पर यदि हम जाएं और यदि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मिले वोटों को हम विधानसभा चुनावों में या विधानसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो 46 सीटों पर कांग्रेस भाजपा से या अन्य दलों से आगे रही है। 20% मत बढ़े, 46 सीटों पर कांग्रेस आगे रही विधानसभा की। और जो कांग्रेस हाईकमान दावा कर रहा है, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जनसभाओं में दावा कर रहे हैं कि इस बार 70 पार। तो दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 70 पार कांग्रेस जा पाती है या नहीं जा पाती है, लेकिन कांग्रेस के हक में माहौल जरूर बना हुआ है। जहां हमने मत प्रतिशत बता दिया, 46 विधानसभा में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, और उसके अलावा इस बार लोकसभा चुनावों में जो जेजेपी उम्मीदवारों की भद्दपिटी है, इनेलो उम्मीदवारों की जो भद्दपिटी है, और कोई आजाद उम्मीदवार भी लोकसभा चुनावों में
नहीं जीत पाया है तो इसका सारा फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। कि इसका मतलब क्या हुआ कि जेजेपी का मनोबल बहुत टूटा हुआ है, इनेलो का भी मनोबल बहुत टूटा हुआ है, तो जो जेजेपी को 10 विधानसभा सीटें मिली थी, इस बार वो 10 विधानसभा सीट भी जेजेपी संभवतः नहीं जीत पाएगी। इसके अलावा जो 8 अदर अन्य उम्मीदवार जीते थे, चाहे किसी छोटी मोटी पार्टी के या आजाद उम्मीदवार के रूप में जीते थे, इस बार उनके भी जीतने की इतनी संभावना नहीं है। और इसका फायदा किसको मिलने जा रहा है, वो कांग्रेस को। आप ये भी जान लीजिए कि मनोहर सरकार हरियाणा में अपनी लोकप्रियता खो चुकी थी, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा हाईकमान को मनोहर लाल खट्टर जी को सीएम पद से हटाना पड़ा, उनकी जगह नायब सैनी जी को नया सीएम बनाना पड़ा, कि जिससे लोकसभा चुनावों में जो भाजपा के खिलाफ जनता का मूड बदला हुआ था कि वो फिर से भाजपा के हक में चला जाए और लोकसभा चुनावों में नए सीएम नायब सैनी पिछली बार की तरह भाजपा को 10 के 10 उम्मीदवार जिता सके लोकसभा में। लेकिन दोस्तों, सीएम बदलने के बाद भी ऐसा हो न सका और सैनी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, भाजपा को 5 सीटें लोकसभा की खोनी पड़ी। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, ये इस तरफ इंगित कर रहे हैं कि कांग्रेस का सत्ता में लौटना लगभग तय है। और इसके अलावा एक और बात है कि लोग और नेता किसी भी दल के हों, जैसा कि मैं पहले कई बार बताता रहा हूं कि वो बहुत बड़े मौसम विज्ञानी होते हैं, अब कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाएगा हरियाणा विधानसभा चुनावों के होने तक, ऐसा लगभग लग नहीं रहा है। क्योंकि लोग उस पार्टी की तरफ दौड़ते हैं जो सत्ता में आती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, आने वाले 4 महीने जो बचे हैं, हुड्डा जी का भी दावा है कि बड़ी तादाद में दूसरी पार्टियों के नेता कांग्रेस में शामिल होने के लिए लाइन लगाए बैठे हैं, और वो कौन कौन नेता हैं वो जल्दी ही नाम सामने आपके आ जाएंगे। और एक और बात हुई है, कांग्रेस में जो गुटबाजी की बात होती रही है, तो वो गुटबाजी या दूसरा एसआर के गुट था, आप उसको कमजोर कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते कि भई किरण चौधरी भाजपा में चली गई और कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद बनकर लोकसभा में पहुंच गई, तो उस तरीके से हुड्डा जी का कद हरियाणा में नए सिरे से फिर बढ़ा हुआ लगता है। और जो एक समय ऐसा लग रहा था कि एसआर के गुट हुड्डा गुट को तगड़ी टक्कर दे रहा है, अब वो माहौल भी नहीं दिख रहा है, और पूरे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लोकसभा चुनावों के बाद धन्यवाद सभाएं कर रहे हैं। धन्यवाद सभाओं का दौर चल रहा है कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को बढ़त दिलाई, 5 सीटें दिलाई, 20% मत ज़्यादा दिलाए। तो इस तरीके का माहौल हर विधानसभा क्षेत्र में
हुड्डा जी लगभग करने जा रहे हैं। और आज भी धन्यवाद कार्यक्रम फरीदाबाद विधानसभा सीट पर हुआ और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा जिन्होंने पिछली बार फरीदाबाद सीट से चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर, लखन सिंगला जी जो 41,000 मतों से आगे रहे थे, उनके नेतृत्व में ये धन्यवाद कार्यक्रम कांग्रेस का हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, लेकिन बड़ी तादाद में कांग्रेस के बहुत नेता मंच पर भी जुड़े, जनसभा में भी आए और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान और हुड्डा जी की तो जोड़ी आपको मालूम है, रथ के दो पहियों की तरह है, वो हमेशा दोनों साथ चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आज फरीदाबाद में लखन सिंगला के नेतृत्व में धन्यवाद सभा हुई है, उसी तरीके से जो संभावित उम्मीदवार हैं कांग्रेस के हर विधानसभा सीट पर, इसी तरीके की धन्यवाद सभाओं का कार्यक्रम चलाने का कार्यक्रम पूरे हरियाणा में बताया जा रहा है और उससे जो माहौल बनेगा वो कांग्रेस के हक में बनेगा। जबकि दूसरी तरफ भाजपा में लोकसभा चुनावों के बाद निराशा है और जिस तरीके से गत दिवस दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के लगभग 38-40 बड़े नेताओं को बुलाकर कांग्रेस हाईकमान ने हिंदी में समझाया है कि किसी ने भी गुटबाजी की, मीडिया के सामने अपनी जुबान खोली, कांग्रेस के नेताओं या अपने ही साथियों के खिलाफ जवान खोली और कहीं गुटबाजी दिखी तो कांग्रेस हाईकमान किसी को बख्शेगा नहीं। यानी जो अनुशासनहीनता हरियाणा में कुछ समय पहले देखी जाती थी, अब उस पर कांग्रेस हाईकमान कंट्रोल कर रहा है और वो किसी भी कीमत पर हरियाणा में गुटबाजी को हवा नहीं देगा, ना उनको गुटबाजी को चलने देगा, सबको एक होकर विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रदेश प्रभारी जी ने, कांग्रेस के लोगों को समझा दिया है कि आपने पूरी ताकत मिलजुल कर कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए करनी है। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तभी जनता का भला होगा, तभी कांग्रेस जनों का भला होगा और कांग्रेस बुलंदियों के ऊपर बढ़ेगी। इसलिए हर कीमत पर कमर कसकर कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए अगले 4 महीने में जुट जाना है। तो जिस तरीके की स्कीमें कांग्रेस हाईकमान बना रहा है और माहौल बना हुआ है, तो जानकार मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस इस बार अवश्य सत्ता में लौटेगी। और हम ये तो दावा नहीं करते वो 70 पार जाएगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस 50-60-65 तक सीटें शायद जीत जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनेगी और इसका हमने विश्लेषण किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने विश्लेषण किया है वह उचित है, आंकड़ों पर आधारित है, माहौल पर आधारित है। इसलिए 4 महीने बाद भी जब मेरी आप इस वीडियो को देखेंगे, इस स्टोरी को सुनेंगे, तो आपको सच होती नजर आएगी। 99% कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हालात बता रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनके अनुसार कांग्रेस का सत्ता में लौटना इस बार तय है। तो दोस्तों, देखते रहिए
हरियाणा देश रोजाना चैनल। मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ, चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।